हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सलमान खान के बारे में, उनके आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के बारे में। जो हाँ, टाइगर जिंदा है फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो गई है ऑस्ट्रिया में। इस महीने के मिडवे से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी शूटिंग और हाल ही में इस फिल्म का पहला लुक नजर आया है, जहाँ पर आपको सलमान खान और कैटरीना कैफ आमने सामने दिखते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो सलमान खान के फैंस का सपना था कैटरीना कैफ और सलमान को साथ में देखने का, वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। 2012 जो फिल्म आई थी, एक था टाइगर, उसके बाद से दोनों फिल्मी पर्दे पर साथ नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं उसके बाद से सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। इन दोनों जोड़ी को वापस देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ही दूसरे के लिए बने हुए हैं। और बहुत बढ़िया ये एक फोटो रिलीज किया गया है मेकर्स की तरफ से। ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जबकि पहली फिल्म जो डायरेक्ट की थी एक था टाइगर, वो डायरेक्ट की थी कबीर खान ने। तो इस हफ्ते अली अब्बास जफर ने ये कमान संभाली है डायरेक्शन की, जिन्होंने जो इनकी फिल्म थी वो डायरेक्ट की थी, यानी कि सुल्तान। देखते सुल्तान के बाद किस तरह का कमाल दिखाते अली अब्बास जफर इस फिल्म में। लेकिन इतना तो तय है कि ये फिल्म धमाल चलेगी और कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल पसंद करेंगे। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 2017 को। तो कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट पर जो आपको जरूर बताऊंगा, इसका जो फोटो है मैं अपने थंबनेल पे भी डाल दूँ ताकि आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।